आज की वीडियो में बात करेंगे आस्क हैप्पी एपिसोड के बारे में। आस्क हैप्पी एपिसोड ऐसा एपिसोड है जहां पे हम आपके सवालों के जवाब देते हैं, तो ये वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना क्योंकि इसमें आपका सवाल भी हो सकता है। तो सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टन टन टन। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने अब प्लान किया है कि एवरी संडे आपके हर सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, कोई भी वीडियो में, इस वीडियो में भी आप लिख सकते हो। अब ले लेते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है राजेंद्र मीना खेदान का, और वो बोलते हैं कि भाई LG 7300 और LG 7600 में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में कौन सा टीवी अच्छा है, प्लीज़ बताएं। तो राजेंद्र भाई, मेरे हिसाब से देखो भाई, UM 7300 और 7600 में सबसे पहला जो डिफरेंस है वहाँ पे उनकी प्राइसिंग का है। प्राइसिंग आपको 6,000 से 7,000 रुपये का प्राइसिंग डिफरेंस देखने मिलेगा। अगर आप इतना पैसा देने के लिए तैयार हो तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कौन सा 7600, UM 7300 आपको ईजिली मिल जाएगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, लेकिन आपको 7600 बहुत ही सिलेक्टेड एरिया में मिलेगा। अगर आई एम नॉट श्योर कि आपके एरिया में, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, तो शायद वहाँ पर ना मिले, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसी के साथ ही साथ अगर बात करें कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जो डिफरेंस निकल के आते हैं दोनों ही टीवियों को, तो यहाँ पे एक सबसे मेजर डिफरेंस है उनके पिक्चर क्वालिटी के बारे में। जहाँ पे आपको UM 7300 दे रहा है को अल्ट्रा HD टीवी, यहाँ पे आपको 7600 आपको मिल जाएगा, एक नैनोसेल टेक्नोलॉजी वाली पिक्चर क्वालिटी का लेवल आपको देखने मिल जाएगा। दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे कि पोर्ट्स भी अलग अलग दिए गए हैं। पोर्ट्स आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे किसमें, 7600 में, 7300 में थोड़े से कम पोर्ट्स हैं, यहाँ पे 7600 में आपको ज़्यादा पोर्ट्स देखने मिल जाते हैं। इसी के साथ ही साथ टेबल टॉप स्टैंड जो होता है उसका भी डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा दोनों ही टीवी में। जहाँ पे आपको 7300 दे रहा है, आपको एक नॉर्मल जो कॉमन टेबल टॉप है स्टैंड, वो आपको मिल रहा है 7300 जो बेसिक वाला है, लेकिन आपको 7600 में आपको एक आर्क शेप का टेबल टॉप देखने मिलेगा जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो यही कुछ डिफरेंस है इन दोनों ही टीवी में। अगर आपके बजट में अगर आपको 7600 बैठ रहा है, इसी के साथ ही साथ अगर आपको मार्केट में अवेलेबल है, तो आप 7600 ही लीजिए। अब ले लेते हैं हमारे अगले सवाल को। तो यहाँ पे राजेश जी पूछ रहे हैं, हाई ब्रो, फ्यू टीवी मॉडल्स हैविंग सिंगल बैंड वाईफाई 2.4 एंड हैविंग 4K स्ट्रीमिंग इशूज, इफ वी कनेक्ट थ्रू ईथरनेट कैन वी कम ओवर दिस इशू, विच वन इज बेटर, वाईफाई और ईथरनेट फॉर स्पीड। तो राजेश भाई देखो, यहाँ पे सबसे सिंपल चीज़ यहाँ पे हम लोग को ये समझनी कि अगर आप लैन से या फिर ईथरनेट पोर्ट से अगर आप इंटरनेट की सुविधा ले रहे हो, तब तो आपका स्पीड वाईफाई के कंपेरिजन में 10 गुना फास्ट चलेगा, इतना याद रखना। क्योंकि लैन केबल की जो स्पीड होती है हमेशा बेटर होती है वाईफाई के कंपेरिजन में, क्योंकि वाईफाई में कैसा होता है जो सिग्नल्स उनको मिलती हैं उसके हिसाब से वो फास्ट चलेंगे स्लो चलेंगे, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंट जो स्पीड मिलती है आपको लैन केबल में मिलती है। तो ईथरनेट पोर्ट के जरिए आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी, ये हमेशा आप याद रखिए। सवाल जवाब के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पे 10 सुमित जी ने पूछ रहे हैं कि भाई RU 7100 और OnePlus Q1 QLED टीवी में कौन सी बेस्ट पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो सुमित भाई, जहाँ पे आपको सैमसंग RU 7100 अल्ट्रा HD टीवी दे रहा है, दूसरी तरफ आपको OnePlus दे रहा है आपको Q1 QLED टीवी, तो प्राइसिंग में डिफरेंस है सबसे पहला यहाँ पे निकल के आता है। इसी के साथ ही साथ अगर आप पूछ रहे हो पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो पिक्चर क्वालिटी ऑफकोर्स OnePlus की बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पैनल लगाया है QLED पैनल लगाया गया और QLED पैनल की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी भी एकदम भी बेकार नहीं है, अगर आप कंपेयर करोगे आपको ज़्यादा फर्क नहीं देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो QLED टीवी को एक अल्ट्रा HD टीवी से, तो डेफिनेटली QLED की जो टीवी है उसकी पिक्चर क्वालिटी हमेशा अच्छी होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ले लेते हैं अभी अगले सवाल को। तो यहाँ पे अगला सवाल है मुन्ना खान का, वो बोल रहे कि ब्रो SK 8500 49 इंच, क्या ये LED टीवी ठीक रहेगा क्या, प्लीज़ हेल्प। तो मुन्ना भाई देखो, अभी SK 8500 2018 का मॉडल है और इस समय चल रहा है 2020, हम सभी को पता है। तो 2020 के मुकाबले अगर आपको नैनोसेल टेक्नोलॉजी की टीवी लेनी है LG की तरफ से जो आती है हमेशा, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप SM सीरीज लीजिए जो 2019 का मॉडल है, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ फीचर वाइज अपग्रेड मिलेगा, इन्हांसमेंट मिलेंगे और पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने मिलेगा आपको इसी मॉडल में। तो आपको सजेस्ट करूंगा 2019 की टीवी लीजिए, उसमें अगर आपको स्पेसिफिक मॉडल मैं आपको जो रिकमेंड करूँ 49 जो SM 8100 लीजिए, उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइसिंग के मामले में भी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, और 49 इंच की कैटेगरी में बहुत अच्छी टीवी है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अभिजीत जगताप जी पूछ रहे हैं, मुझे 55 इंच वर्जन लेना है, रियल मी लू या MI प्रो
की वेट करूं, दोनों पिक्चर और एंड ऑडियो किसका बेटर होगा? तो अभिजीत भाई, यहाँ पे अगर आप रियलमी टीवी को वेट कर रहे हो और MI 5 Pro का वेट कर रहे हो, तो ये दोनों टीवी कब आने वाली मार्केट में? सच बोल रहा हूँ, इसका आइडिया मुझे भी नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि मई में स्टार्ट होगा रियलमी का, और MI 5 Pro का आपको अगस्त तक देखने मिलेगा। ये एक टेंटेटिव मैं डेट आपको बता सकता हूँ कि ये इस समय लॉन्च होंगे, लेकिन जैसा हम सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते ही अभी ये टीवी एग्जैक्टली जब लॉकडाउन कब खुलेगा ये हम सभी को नहीं पता। जब खुलेगा तो डेफिनेटली इमीडिएटली आपको रियलमी की टीवी मार्केट में देखने मिल जाएगी, लेकिन MI 5 Pro का श्योर नहीं हूँ मैं। अभी तक कुछ भी कंफर्म न्यूज़ MI की तरफ से हमें नहीं मिली है। जहाँ तक बात है आपके सवाल की कि आपको 55 इंच का टीवी लेना है, तो 55 इंच की कैटेगरी में अगर आप बजट में देखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इस समय सबसे बेस्ट जो है 2020 में मेरे हिसाब से व्यू प्रीमियम सबसे बेस्ट टॉप पे चल रहा है। उसकी पिक्चर क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, फीचर सब कुछ अच्छे हैं और उसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। अभी अगले सवाल को, तो यहाँ पे हिमांशु वर्मा बोल रहे हैं कि भाई मेरा भी, मैं एक शॉर्टकट में समझा तो काफ़ी लंबा इन्होंने लिखा है, उन बोल रहे कि भाई मेरे पास भी LG का डुअल इन्वर्टर AC है, उनका जो बिल है ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वो एनर्जी कंट्रोल सेवर भी यूज़ करे, फिर भी इसका प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो हिमांशु भाई, मेरे हिसाब से देखो, आपको अभी इस समय हर एक सिटी और हर एक स्टेट में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, तो मुझे नहीं पता कि आपके एरिया में कौन सा प्रोवाइडर कहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं मुंबई की बात करूँ, महाराष्ट्र के, तो यहाँ पे दो मेजर ऑपरेटर है, एक उसमें से रिलायंस अदानी है और दूसरा है यहाँ पे टाटा पावर। और टाटा पावर का अगर मैं कंपेयर करूँ रिलायंस अदानी से, तो डेफिनेटली जो टाटा पावर का जो कंजम्पशन है या फिर जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो बहुत कम आता है एज कम्पेयर टू रिलायंस अदानी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बेस्ड ऑन द सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका बिल कितना आ रहा है। और आप जहां तक बात करो कि एनर्जी कंट्रोल सेवर फीचर यूज करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका मुझे बताया कि आपका पहले बिल कितना आता था। अगर पहले समझ लो 1000 rupees आता था, तो अगर 1500 अभी आ रहा है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि आप हार्डली 500 rupees पे कर रहे हो विथ AC। जब आप AC नहीं यूज करते थे तब 1000 rupees था, और अब 500 rupees बढ़ गए, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ा है। इसी के साथ ही साथ आपने लास्ट में लिखा हुआ है, आपने स्टेबलाइजर यूज किया है क्या? तो भाई नहीं, मैंने स्टेबलाइजर यूज नहीं किया है, कुछ भी मैं यूज नहीं करूँ, सिर्फ LG का डुअल इन्वर्टर AC ही मेरे घर पे है। यहाँ पे अगला सवाल है सचिन स्ट्रीम, क्या नाम है, बेस्ट 30,000 टीवी एनी ब्रांड। तो सचिन भाई, यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया कि कितने इंच का आपको टीवी चाहिए, सिर्फ आपने मेंशन किया है कि आपको 30,000 का आपका बजट है। तो अगर मैं कंसीडर करूँ आपको बेस्ट 43 इंच 30,000 की लेनी है, तो मैंने उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ऊपर लिंक कर दूंगा आई बटन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ बात रही अगर उसके स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में, तो अगर मैं व्यू प्रीमियम है उसमें एक है सैन्यो काइजन है, और इसी के साथ ही साथ TCL, ये तीन मेजर ब्रांड जो मुझे रिकॉल हो रहे कि वो उस वीडियो में मैंने कंसीडर किया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। सवाल जवाब के सिलसिले में आप सभी ने मुझे काफी बार कमेंट किया था OnePlus के 8 और 8 Pro के अवेलेबिलिटी के बारे में, काफी लोग की ईमेल भी आए थे। तो यहां पे मुझे लगता है कि आई थिंक लॉकडाउन खत्म होने के बाद इमीडिएटली आपको इंडिया में उसका बोलते ना फोन देखने मिल जाएगा, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होगा। लॉकडाउन की वजह से फिलहाल अभी आपको मार्केट में देखने नहीं मिलेगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। लेकिन यहां पे एक और मेजर अपडेट निकल गया जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा कि 20 तारीख के बाद, 20 अप्रैल 2020 के बाद आपको Amazon और Flipkart की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट होने वाली है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए, हम सभी के लिए एक अच्छी सी न्यूज है कि बोलते हैं कि हम सभी एटलीस्ट ऑनलाइन तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल जवाब का जो सिलसिला है अब यहाँ पे खत्म करते हैं और हम आपसे अलविदा लेंगे, आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, आपके सवाल सुझाव कुछ भी हो, आपके मन में कोई भी सवाल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दे। इसी के साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग ने सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, काफी कुछ अपडेट वहां पे मिल जाएंगे। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।